हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रवलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रवलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि नित्या मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रवलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है, और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में, 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी, जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधनी मोहिनी 2008 में और सफलता हासिल की। दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, तिरुचित्रवलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है। जबकि तिरुचित्रवलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषिक गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे 2 धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की 2 बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित 3 ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे सरवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी, और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनके
पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधु और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलयादल आरलम के लिए श्रेया शरण और प्रकाश राज के साथ भूतफी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगू सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथुन जोहर ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाडिकाथोन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहर के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यर्थिल और वन के गीत अन्य मेले असुधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाइलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012 मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIMA क्रिटिक्स अवार्ड जीता। हुआ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उत्साह होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022 मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही।
आदित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषीय और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सातोकाल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफ बीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार के वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआत की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल, जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरोरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की, दो पुरुष, छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी, और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली, जीवन से भरपूर जिज्ञासु, बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया, और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलयाल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदु में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान, और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफ भी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांस फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी।
न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई, और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरु पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी, जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई, और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जुड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ और दाग 3 में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी, और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे किए। आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया, जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है, और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुटई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मेनन ने फहद फासिल की सात फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है, लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मेनन ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म व सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एन एम नानवीन वाजकाई और एसओ के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमणि के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन
कर्निकल ने लिखा कि नित्या मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने के एस रवि कुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगोबा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरु मगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी विजय, जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फास्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से नित्या मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी दो तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडु में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई। उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि नित्या धारा थारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा है और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि नित्या मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी, जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधनी मोहनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, तिरुचित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि तिरुचित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी
एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनाने का दबाव बनाया। धनुष की दो बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे सरवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधु और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायीय पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलयादल आरलम के लिए श्रिया शरण और प्रकाश राज के साथ वोथ्वी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथ्रन जोहार ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाडिकाथोन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहार के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यर्थिल और वन के गीत अन्य मेले असुधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें
प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, दो दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म सात वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाईलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012 मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIMA क्रिटिक्स अवार्ड जीता हुआ। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उस्ताद होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दिया। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022, 2022 मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषीय और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2002 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सात वोकल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। KP कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफ बीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार के वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही। इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरोरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की, दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडाईलैंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के
पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मंडलैंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है। और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी। और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली जीवन से भरपूर जिज्ञासु बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया। और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीबी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदू में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान। और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसी फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई। और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरू पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी, जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई। और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ और दागतीन में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी। और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे की आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया, जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है। और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुटई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मेनन ने फहद फासिल की साथ फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है, लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मेनन ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म वह सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई।
उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एन एम नानवीन वाजकाई और एजो के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमनी के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय की साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा कि नित्या मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने KS रवि कुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगोबा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरु मगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी, जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से नित्या मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी 2 तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडू में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई, जो उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि नित्या धाराथारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा है और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि नित्या मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं
और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशेवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधनी मोहिनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, थिरु चित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि थिरु चित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषिक गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की 2 बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे श्रवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी, और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधु और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायीय पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब
तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रेया शरण और प्रकाश राज के साथ वोथ्वी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी, हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथ्रन जोहार ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलर में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाड़ी का थॉन थी जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहार के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यर्थिल और वन के गीत अन्य मेले अशोधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाईलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012 मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता। हुआ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्म उस्ताद होटल 2012, बेंगलोर डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्म कंचना 2 2015, 2024, 2016, 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022 मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलोर में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलोर में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषीय और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी।
तबू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा की सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सातोकाल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफबीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा के परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई, जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था। उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल एंजल जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरोरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा है कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी, और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली जीवन से भरपूर जिज्ञासु बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया, और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीबी मलयाल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदू में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान, और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसी फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदु की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई, और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरू पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया।
अमल नीरद की बैचलर पार्टी जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई, और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मैंने उनका करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ और दागतीन में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी, और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे की आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया, जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जहाँ तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है, और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुट्टई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मैनन ने फहद फासिल की साथ फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है, लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मैनन ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म व सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। News18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित JKNM नानबीन वाजकाई और एजो के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमनी के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन कर्निकल ने लिखा कि नित्या मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने KS रविकुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगोबा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरु मगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी, जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था।
फास्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से निथिया मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी दो तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडु में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई जिन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि निथिया धाराथारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा है और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है जबकि निथिया मेनन भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता निर्माता निर्देशक गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधनी मोहनी 2008 में और सफलता हासिल की। दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, तिरुचित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। बड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है। जबकि तिरुचित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे 2 धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था।
शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की दो बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाइकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे श्रवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधू और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रेया शरण और प्रकाश राज के साथ भूतवी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथ्रन जोहार ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाड़ी का थॉन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहाया गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहार के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यर्थिल और रुवन के गीत अन्य मेले अशोधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाइलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के
गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012, मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रामा देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता। हुआ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उस्ताद होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और सौ डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इन टू द सिटीज 2022, 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषी और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तबू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2002 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सातोकाल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफबीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा के परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार के वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही। इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल, जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरोरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक
दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सीवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु उन्होंने इस किरदार को चलबुली जीवन से भरपूर जिज्ञासु बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदू में भी काम किया जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की जिससे उसका पति बहुत परेशान और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसी फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरू पेनकुट्टी जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जुड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ औदागतीन में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे किए। आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलन था इंडिया में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुटई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मैंने नफाद फासिल की सद फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मैंने ने कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म वह सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एन एम नानबीन वाजकाई और एजो के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई जो एक सफल फिल्म थी।
आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमनी के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टिलेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि निथिया मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय की साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा कि निथिया मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने के एस रवि कुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगुब्बा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरुमुगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से निथिया मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी 2 तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडू में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई, जो उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि निथिया धाराथारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि निथिया मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी, जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधी नी मोहनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही।
आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, थिरुचित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि थिरुचित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की दो बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे श्रवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी, और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधू और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रिया शरण और प्रकाश राज के साथ पृथ्वी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इला
लुई नवथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदीत मिथुन जोहर ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाड़ी का थॉन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहर के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यर्थिल और रुवन के गीत अन्य मेले अशोधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडा इलांडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012, मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता। हुआ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उत्साह होटल 2012, बेंगलोर डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषी है और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफबीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा के परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की।
हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपूर्वरागा में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नृत्य के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है। और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी, और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली जीवन से भरपूर जिज्ञासु बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया, और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदू में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई, जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान, और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसिक फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की। बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई, और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरु पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी, जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई। और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ उदागतीन में सिद्धार्थ और सामान्था के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी, और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे किए। आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की।
उन्होंने मॉडले मायलियंते का महिला संस्करण भी गाया जिसे खूब सराहाया गया। मैनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में दो सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहां तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुट्टई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मैंने नफाद फासिल की साथ फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मैंने ने कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म वह सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मैनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एन एम नानबीन वाजकाई और एसओ के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मैनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मैनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमनी के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मैनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मैनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा कि नित्या मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने के एस रवि कुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगुब्बा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरुमुगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी जिसमें विजय थे जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से नित्या मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी 2 तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायन कुडू में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई जो उन्होंने
प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही, और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि नित्या धारा थारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि नित्या मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में, 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधी नी मोहनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, तिरुचित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि तिरुचित्रबलम और वाथी ने रिलीज के 1 महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना 2रा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की 2 बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित 3 ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए।
फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे श्रवणन और सुलान में दिखाई दी। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दी, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी, और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी, और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधू और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रिया शरण और प्रकाश राज के साथ पृथ्वी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथ्रन जोहार ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाडिकाथोन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथ्रन जोहार के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म युर्थिल और रुवन के गीत अन्य मेले अशोधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाइलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012 मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता हुआ। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उस्ताद होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2
2015-24, 2016 मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मैनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मैनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022, 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषीय और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तबू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2002 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सातोकाल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफ बीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा के परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म में चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल, जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरोरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रांड के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मंडलैंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक दृश्य चुराने वाली। मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला।
इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली, जीवन से भरपूर जिज्ञासु, बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदू में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान, और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसी फिल्म इसकी थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की। बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरु पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी, जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई। और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ औदाग 3 में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे की आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडल मालयंते का महिला संस्करण भी गाया, जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थिक भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है, और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुट्टई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मैंने नफाद फासिल की साथ फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है, लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मैंने ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म व सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित JKNM नानबीन वाजकाई और एसओ के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमणि के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक
आर्टिलेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि निथिया मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा कि निथिया मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने KS रविकुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगुब्बा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरुमुगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी, जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से निथिया मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी 2 तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडु में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई, जो उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि निथिया धारा थारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रबलम फिल्म के बारे में। तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि निथिया मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी, जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में, 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी सह सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी, जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधी नी मोहनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, थिरुचित्रबलम 2022 और
हाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई, जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि थिरु चित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलैला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म थ्री से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एकतरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की दो बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे सरवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए, जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनकी पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधू और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रेया शरण और प्रकाश राज के साथ भूतफी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगु सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथ्रन जोहार ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाडिकाथोन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके
प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहार के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यूर्थिल और वन के गीत अन्य मेले असुधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाइलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012, मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता हुआ। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उत्साह होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्म कंचना 2 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दिया। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषी है और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। KP कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफ बीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा के परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई, जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार के वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था। उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल, जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई जो एक युवा लड़की, दो पुरुष छात्रों निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली।
मेनन के करियर ने 2011 की रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नृत्य के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है। और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी, और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली जीवन से भरपूर जिज्ञासु बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया। और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदु में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान। और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांसिक फिल्म इश्क थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिए गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण, जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदु की मलयालम रीमेक, जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरु पेनकुट्टी, जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था, जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी, जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई। और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ उदागतीन में सिद्धार्थ और सामंथा के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी। और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे की आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया, जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है, नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है, और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2
पलायम कुट्टई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मैंने नफाद फासिल की साथ फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मनन की भूमिका सीमित है, लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मैंने उन्हें कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म व सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगू के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मैनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एनएम नानबीन वाजकाई और एसओ के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मैनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मैनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमणि के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मैनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मैनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई, जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मैनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मैनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा कि नित्या मैनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने के एस रविकुमार को द्विभाषी परियोजना कोटी गुब्बार 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरू मगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी, विजय जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से नित्या मैनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी 2 तेलुगु फिल्में आई मैनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मैनन चमकती है और मैनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडु में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई, जिन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अब अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि नित्या धारा थारा और इस रूप में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुचित्रवलम फिल्म के बारे में।
तिरुचित्रबलम फिल्म की बात की जाए, यह 2022 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मिथुन आर जवाहर ने लिखा और निर्देशित किया है। हेतेथासन पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है जबकि नित्या मेनन, भारती राजा, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में तिरुचित्रबलम एक डिलीवरी मैन है जो अपने पिता के साथ रहता है और दादा अपनी माँ और बहन के खोने के लिए पिता को दोषी ठहराते हैं और पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस बीच उनकी लव लाइफ इतनी सफल नहीं। और इस फिल्म की बात की जाए, यह वेंकटेश प्रभु कस्तूरी जिसका जन्म जुलाई में हुआ था और जिन्हें पेशवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में इसे 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में, 14 SIMA पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में से 6 बार शामिल किया गया। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन 2007 और आराधनी मोहिनी 2008 में और सफलता हासिल की, दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। आडुकुलम में 2010 में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने मेरिन 2013, वेलईला पट्टाधारी 2014, अनेगन 2015, कोडी 2016, ओडो चेन्नई 2018, असुरन 2019, थिरुचित्रबलम 2022 और वाथी 2023 सहित फिल्मों के साथ सफलता जारी रखी। वड़ा चेन्नई अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये रेटेड तमिल फिल्म बन गई जिसे बाद में इसे 2024 में रायान ने पीछे छोड़ दिया और जिसमें धनुष भी है, जबकि थिरुचित्रबलम और वाथी ने रिलीज के एक महीने के भीतर 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्म मारी 2015, मारी 2 2018 और वेलईला पट्टाधारी 2 2017 में भी अभिनय किया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 3 से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषिक गीत वाई दिस कुलवारी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन से व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल रॉय की रांझना 2013 से फिल्म में शुरुआती की। फिल्म में एक जुनूनी एक तरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। धनुष अपनी प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स के माध्यम से फिल्म बनाते हैं और उन्होंने अपने पांडे के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। मारे टू धनुष ने असुरन 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के घर मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और सिर्फ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वा राघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की 2 बहनें भी थीं जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक थे। उन्होंने वेंकटेश प्रभु ने कुथी पुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर अपने स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित 3 ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वा राघवन की पहले निर्देशक रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कोडाईकनाल में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के घर में देखा गया था जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2004 में धनुष ने उसे सरवणन और सुलान में दिखाई दिए। बाद में वह ड्रीम्स में भी दिखाई दिए जो आलोचकों द्वारा नकार दी गई थी और एक और फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था। उनके
पिछली फिल्म की तरह 2005 में उन्होंने देवथई कडेन ने दिखाई दी और उसी वर्ष उन्होंने बालू महेंद्र की अधु और काना कलम में भी काम किया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायी पदार्थ थी। धनुष ने बार बार कहा कि उन्होंने महेंद्र के साथ काम करने के बाद ही अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू किया। 2006 में वह अपने भाई के साथ कल्ट गैंगस्टर फिल्म पुदुपट्टई के लिए फिर से जुड़े। इसने एक युवक की गली के आवारा से गैंगस्टर बनने के सफर को दर्शाया, जिसे शुरुआत में मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि धनुष के प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा मिली। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन हुआ और अब तक की सबसे महान तमिल फिल्मों में से एक माना जाता है, जबकि इसने एक विशाल पंथ का अनुसरण भी किया था। बाद में धनुष की फिल्में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दूसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने देवथैया कंडन के बाद रोमांटिक कॉमेडी थिरुविलैयादल आरलम के लिए श्रेया शरण और प्रकाश राज के साथ भूतफी पांडियन के साथ फिर से काम किया। धनुष की 2007 की पहली रिलीज परटई अंगीरा अजगू सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह फिल्म सफल कन्नड़ भाषा की फिल्म जो कि 2005 की रीमेक थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म पोला धवन दिवाली 2007 के दौरान रिलीज हुई थी। पोला धवन 1948 की इलावी नवथार्थवादी फिल्म बायस्किल थिक्स पर आधारित थी और धनुष के अभिनय की सराहना की गई थी। अगले वर्ष उनके भाई द्वारा निर्देशित एक तेलुगु फिल्म रीमेक ने धनुष की अगली फिल्म के लिए कथानक तैयार किया गया, जिसका निर्देशन नवदित मिथुन जोहर ने किया था, जिसे बाद में आरदी निमोहनी शीर्षक दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस प्रकार धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। बाद में वह अपने ससुर रजनीकांत की फिल्म कुशेलन में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। उनकी अगली फिल्म सूरज की पाडिकाथोन थी, जो जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, उन्हें खूब सराहा गया और उनकी अगली दो फिल्में कुट्टी और उगथामा पुथरी ने दोनों ही निर्देशक मिथुन जोहर के साथ सहयोग की थी। एक्शन एडवेंचर फिल्म यूर्थिल और वन के गीत अन्य मेले अशोधन के लिए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तमिल के लिए अपना पहला पुरस्कार मिला। इस फिल्म में बात की जाए, इसमें निथ्या मेनन, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1990 में, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और दमदार अभिनय के लिए उन्हें प्रसिद्ध मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी शामिल है। उन्होंने मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी। उनमें उन्होंने तब्बू किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 वोकल 2006 स्क्रीन पर शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडाइलैंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन के गुंडे जारी गल्लन थाइंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012 मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार। रुद्रा माँ देवी मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कदल कनमनी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए SIIME क्रिटिक्स अवार्ड जीता हुआ। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म मलयालम फिल्मों उत्साह होटल 2012, बेंगलुरु डेज 2014 और 100 डेज लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2 2015, 24, 2016, मार्शल 2017 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और तिरुचित्रबलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दी। वह तब से वेब सीरीज विद इनटू द सिटीज 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही।
आदित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बेंगलुरु में मलयाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता और माता कर्नाटक में बस गए थे। उनकी शिक्षा पूर्ण प्रज्ञा स्कूल माउंट कॉर्मल कॉलेज बेंगलुरु में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीबी नंदिनी रेड्डी से हुई थी, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। नित्या बहुभाषीय और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती थी। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी। तबू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप अपरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थी, जिसे 2001-2 में के दौरान प्रसारित किया गया था। 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म सातोकाल क्लब 2006 में सहायक भूमिका निभाई। केपी कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफ बीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बीच में थी जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई। जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार के वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था, उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों ने लिखा कि वह अपने पहली फिल्म चमक दिखाती है और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआती की। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही, इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 97वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह विल्लुथुवल, एंजल, जॉन और केरल कैफे में दिखाई दी। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपुरागम में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक वह लड़की, दो पुरुष, छात्रों, निशान और आसिफ अली के साथ शामिल हो जाती थी। जब बाद में वह ठग पाए जाते थे तो फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। मेनन के करियर ने 2011 के रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई, जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने समीक्षा में उद्धृत किया, उन्होंने एक अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चित्रित को मूर्त रूप से दिया। सभी प्रकार के पोशाकों से मैं सुंदर लगती थी और YMC में समंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल में वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती की थी। और जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह, जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रदर्शन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया गया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उर्मी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने बाला नाम की एक त्रिचक्कल राजकुमारी का किरदार भी निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिली। और एक सिफी समीक्षक में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक दृश्य चुराने वाले मेनन ने उत्कृष्ट किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं हूँ कौन की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थी, और उन्हें इसे वे फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नेत्रनु बंधु, उन्होंने इस किरदार को चलबुली, जीवन से भरपूर जिज्ञासु, बड़ी आँखों वाला और जीवन में मासूम बताया, और खुद के जैसा बाद वाला में साला साल में उन्हें मलयालम में सीवी मलयाल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेपम में दिखाई गया। उन्होंने विक्की प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोलंडा एदु में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी की, जिससे उसका पति बहुत परेशान, और उन्होंने पायसम नामक एक गीत गाया और कोरियोग्राफ भी किया था। मेनन की पहली 2012 रिलीज नितिन के साथ तेलुगु रोमांस फिल्म इश्क थी। इस बार फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का सिनेमा अवार्ड्स मिला, जो एक व्यावसायिक सफलता थी।
न्यूज 18 ने उनके चित्रण को नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा के बाद में उन्हें 5 मलयालम फिल्मों में दिखाई दिया गया। कर्मयोगी विक्की प्रकाश की शेक्सपियर के हेमलेट का मलयालम रूपांतरण जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन सह कलाकार थे। पीपंस एंडोलोडा एदू की मलयालम रीमेक जिसमें उन्होंने मूल से अपनी भूमिका दोहराई और पायसा का मलयालम संस्करण गाया। टीके राजीव कुमार की थलसालम में ओरु पेनकुट्टी जिसमें उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया था जिसका दैनिक जीवन एक महीने के लिए रियलिटी शो के रूप में फिल्माया गया और प्रसारित किया गया। अमल नीरद की बैचलर पार्टी जिसमें उन्होंने आसिफ अली की पत्नी और उनके बच्चों की युवा में माँ की भूमिका निभाई और अनवर रशीद द्वारा निर्देशित उस्ताद होटल जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार दुलारे सलमान के साथ जोड़ी बनाई। इनमें से अधिकांश फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जिससे मेनन का करियर बहुत मजबूत हो गया। 2013 में उन्होंने 3 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया। हुआ पहली बार नारा रोहित के साथ अदागी 3 में सिद्धार्थ और सामंता के साथ जबरदस्त भूमिका दिखाई दी और मेनन को मैना में शारीरिक रूप से विकलांग लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। यह फिल्म सफल रही और कर्नाटक के कई केंद्रों में 100 दिन पूरे की आलोचकों ने उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की। उन्होंने मॉडले मायलियांते का महिला संस्करण भी गाया जिसे खूब सराहाया गया। मेनन ने नितिन के साथ गुंडे जारी गलंथाइंडे में 2 सेडस वाला किरदार निभाने के लिए खूब प्रशंसा बटोरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जहाँ तक अभिनय की बात है नित्या मेनन सम्मान हासिल करती है। उनके पास लेखक समर्थित भूमिका और वे बाकी सभी पर भारी पड़ती है और इसे 1-2-3 तेलुगु ने उन्हें फिल्म का निर्विदित सितारा करार दिया और कहा कि वे शानदार ढंग से चमकती है और उनका अभिनय देखने लायक है। उन्होंने 2014 में उन्होंने मालिनी 2-2 पलायम कुटई में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मेनन ने फहद फासिल की सात फिल्म बेंगलोर डेज में कैमियो किया। सिफी ने लिखा कि नित्या मेनन की भूमिका सीमित है लेकिन वे अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मेनन ने कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे उन्हें अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक पहचान मिली। वर्ष की अपनी पहली फिल्म व सर्वानंद के साथ मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में दिखाई दी। उन्होंने एक हिंदू से प्यार करने वाली एक युवा मुस्लिम छात्रा की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ मेनन फिल्मफेयर में क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु अभिनेत्री बन गई। न्यूज 18 ने लिखा कि प्रत्येक चरण में नित्या के बदले और कुछ बॉडी लैंग्वेज प्रभावशाली एक लड़की के रूप में शुरू होती है और एक महिला के रूप में समाप्त हो जाती है। उसका प्रदर्शन सराहनीय। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जेके एन एम नानबीन वाजकाई और एसओ के सत्यमूर्ति में दिखाई दी। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्होंने इस फिल्म के लिए मेनन को 2015 में 3 और फिल्मों के साथ अधिक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राघव लॉरेंस के साथ उनके निर्देशन में बनी कंचना 2 में एक अपंग लड़की की भूमिका निभाई जो एक सफल फिल्म थी। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा। मेनन को मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक फिल्म कदल कनमणि के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक आर्टी लेक्चर छात्रा तारा की भूमिका निभाई। दुलकर और मेनन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई और उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल नामांकन प्राप्त किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वित्तीय रूप से सफल रही। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि मेनन एक असाधारण अभिनेता और उन्होंने बहुत अर्थार्थवादी प्रदर्शन किया। उन्होंने अनुष्का शेट्टी के साथ रुद्रमा देवी राजकुमारी मुकुंदमा की भूमिका निभाई जो वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म थी। द हिंदू ने कहा कि नित्या मेनन दिखाती है कि वह अपने द्वारा निभाए जाने वाली किसी भी प्रकार की किरदार पर छाप छोड़ सकती है। वह इस फिल्म के लिए एक प्यारी सी चीज़ है। जो 2016 तक मेनन ने खुद को एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 2016 में 3 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। साल की शुरुआत 24 से हुई थी और जिसमें उन्हें पहली बार सूर्या के साथ जोड़ा गया था। फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। डेक्कन
कर्निकल ने लिखा कि नित्या मेनन अपनी भूमिका में चमकती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने के एस रवि कुमार को द्विभाषी परियोजना कोटिगुब्बा 2 में सुदीप के साथ मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। वर्ष के अंत में उन्होंने विक्रम के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर इरु मुगन में अभिनय किया और अपनी सीमित भूमिका के लिए प्रशंसा की प्राप्त की। तेलुगु में उसे 2017 में उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म मार्शल थी विजय, जिसमें विजय थे, जहां उन्हें एक सशक्त लेकिन सहायक पत्नी की भूमिका के लिए सराहा गया था। फास्ट पोस्ट ने कहा कि तीनों अभिनेत्रियों में से नित्या मेनन को जो अपने सक्षम प्रदर्शन से साफ छोड़ती है और इस फिल्म ने उन्हें इसे फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाए और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी दो तेलुगु फिल्में आई मेनन ने अवे में एक समलैंगिक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वह LGBTQ का किरदार निभाने वाली पहली मुख्यधारा की दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बनी। द हिंदू ने कहा कि मेनन चमकती है और मेनन ने 2019 की अपनी पहली फिल्म NTR कत्तायनकुडु में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई। उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म प्राण में विकी प्रकाश के साथ फिर से काम किया, जो 2015 के बाद मलयालम उद्योग में उनकी वापसी का भी प्रतीक थी। उन्होंने एक अंग्रेजी लेखिका की भूमिका निभाई जो समाज में अहिंसता से जूझती रही और फिल्म के एकमात्र अभिनेता न्यूज मिनट ने अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि नित्या धारा थारा और इस रूप में